हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं एस्क कलिनरी और आज हम बनाने वाले हैं चीज गार्लिक ब्रेड। इस लॉकडाउन के समय में हम बाहर की बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं बाहर का खाना। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पिज्जा बनाने का पूरा प्रोसेस बताया था कि सारी चीजें आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चीज गार्लिक ब्रेड आप अपने घर में बिना ईस्ट के और बिना ओवन के कैसे बना सकते हैं। चीज गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आपको चीज की जरूरत होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, इसे आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चीज गार्लिक ब्रेड बिना ओवन के और बिना ईस्ट के कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमारे चीज़ी गार्लिक ब्रेड दिखने में बहुत ही अच्छी लग रहे हैं। बिल्कुल फ्लफ़ी है, सॉफ्ट है और दिखने में बिल्कुल डोमिनोज जैसे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल में 200 ग्राम मैदा, और यहाँ पे अब मैं डाल रहा हूँ एक छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इक्वल क्वान्टिटी में डालेंगे। तो यहाँ पर आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और उतना ही हम लेंगे बेकिंग सोडा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं है तो एक चम्मच भर के इनो का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे चॉप किया हुआ आधा चम्मच हम गार्लिक डालेंगे, यानी कि लहसुन डालेंगे, और इसके साथ ही एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच ऑरेगानो। आपके पास अगर इटालियन सीजनिंग हो तो उसे डालिए, उसका भी यूज़ इस रेसिपी में होता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट को। तो यहाँ पे लगभग 70 ml मैंने यहाँ पे पानी लिया है, और 30 ml हम यहाँ पे लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो 4 चम्मच यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ, जो लगभग 30 ml है। तो अच्छी तरीके से इसे डाल देंगे। आप इस रेसिपी में चाहें तो लिक्विड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर लें और उसे लिक्विड कर लें, उसे गर्म कर लें, और उसका भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन तो इस रेसिपी में हम बटर का यूज़ लास्ट में करेंगे, जिससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ऑयल डाल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर यहाँ पर है 15 ml, यानी कि एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मैंने लिया है। तो इन सारे लिक्विड इन्ग्रीडियंट को अब हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके इसे साइड रख लेंगे। तो अब हम आटा लगा लेते हैं। तो जो हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट बनाया है, इसमें हम आटे में डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक नरम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने पिज्ज़ा का बेस बनाया था, पिज्ज़ा का आटा मैंने लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी करना है। तो जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाएँ तो फिर उसके बाद हम इसे टेबल पर रखेंगे और हाथों से मलना इसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आटा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गीला है, जिससे कि हाथ में चिपक रहा है। तो यहाँ पे हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे, और फिर इसके बाद इसे इस तरीके से हाथों से मलेंगे। तो इसके ऊपर से मैदा को इस तरीके से डस्ट करेंगे, और फिर इसे हाथों से इस तरीके से मलते जाएंगे। तो 2 मिनट लगभग हमने पहले इसे मला था, और अब हम इसे 3 मिनट तक मलेंगे, यानी कि 5 मिनट तक हमें इस तरीके से इसे ब्रेड की तरह, जैसे हम ब्रेड गूंथते हैं उस तरीके से इसे गूंदना है। अब हम इसे बाउल में रख देते हैं, और हम इसे किसी प्लेट से ढक देंगे। इसे गीले कपड़े से नहीं ढकना है, इसे प्लेट से आप ढक दें, बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है मोज़रेला चीज़, जिसे मैंने घर पे बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लहसुन का कटा हुआ, और इसके बाद हम इस पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ऑरेगानो का। तो यहाँ पे जो चिली फ्लेक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान दें, क्योंकि हम इसे आटे में, स्टफिंग में, और इसे ऊपर से गार्निश भी करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान दें कि जो चिली फ्लेक्स ले वो बिल्कुल माइल्ड होनी चाहिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसे बाउल से निकालते हैं, और 30 सेकंड के लिए इसे फिर से थोड़ा सा मल लेते हैं। तो 30 सेकंड तक इसे मल लेने के बाद हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे, और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे, इसे फ्लैट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो हाथों से इसे फैला के फिर उसके बाद हम इसे बेलन से बेल लेंगे, सब तरफ बराबर रखेंगे, और 7 इंच तक हम इसे बेलेंगे। फिर बीच से इस तरीके से हल्का सा एक कट लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमें यहाँ पर चीज़ रखना है। तो चीज़ की स्टफिंग जो हमने बनाई है उसे हम रख लेते हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से रख लेने के बाद हम इसके चारों तरफ से हल्का हल्का पानी लगाएंगे। तो पानी लेके ब्रश की मदद से इसे किनारों पे लगा लें।
पानी सब तरफ से लगा लेने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से दबा देंगे। तो अब हम यहाँ पे दूध लेंगे और चीज़ गार्लिक ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का इसे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। अब इसके ऊपर से थोड़े से हम लहसुन के टुकड़े लगा देंगे और थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से छिड़कते हुए हम ऑरेगानो डाल देंगे। ऑरेगानो डालने के बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और फिर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है, उसके ऊपर गार्लिक ब्रेड को रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर से हल्का हल्का इस तरीके से बस आपको निशान बना देना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे जिसके ऊपर हम प्लेट को रख के बेक करेंगे। तो कढ़ाई के बिल्कुल बीचों बीच इस प्लेट को हम रख देते हैं और गैस को हम कर देंगे बिल्कुल लो और इसे ढक के हम 25 मिनट तक पकाएंगे। तो अब हम इसे ढक देते हैं, इसे बनने में 25 मिनट लगेंगे। तो 25 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाते हैं। तो ढक्कन को हटाने के बाद हम इस पे बटर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे लगभग एक चम्मच मैंने बटर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर से बटर लगाते जाएंगे। सब तरफ हमने अच्छे से बटर को लगा दिया है। बटर को लगा लेने के बाद इसे एक मिनट के लिए हम फिर से ढक देंगे जिससे कि बटर अच्छी तरीके से ब्रेड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो एक मिनट बाद हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे और जो ब्रेड पे हमने निशान बनाए थे वहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बन के तैयार है बिना ईस्ट के और बिना ओवन की। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से फूली हुई ब्रेड है और पिघलता हुआ चीज़ इसके अंदर। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फूली हुई ब्रेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके से अगर आप गार्लिक ब्रेड बनाएंगे तो ये बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।